स्टार सिटी प्लस बी एस सिक्स का क्लच का फिटिंग फुल कैसे करते हैं फ्रेंड, तो इसे अभी हम करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग को लगाएंगे फ्रेंड। देख सकते हैं हमने यहाँ का सभी सामान को हटा दिया, इसका फुल इंजन बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अब हमें क्या लगाना है वो अभी बताएंगे। देख सकते हैं कि अभी ये इसे हम ऐसे ही घुमाएंगे इस क्लच वाले शाफ्ट को, तो देख सकते हैं कि आवाज़ आ रहा है, मतलब ये टाइमिंग में नहीं है। तो सबसे पहले हम किक स्प्रिंग के टाइमिंग को लगाएंगे। इसे लगाने के लिए देख सकते हैं कि इस जगह पे हमें होल मिल जाता है इस शाफ्ट में, किक शाफ्ट में, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप इस जगह पे फ्रेंड, मैं फोकस करके दिखाता हूँ फ्रेंड, दिख पा रहा होगा। तो इसे लगाना किस तरीके से है, किक स्प्रिंग को देख सकते हैं, इसे हम घुमाएंगे तो ये तड़प जाएगा। तो ये स्प्लेंडर जैसा तड़पता नहीं फ्रेंड, देख सकते हैं कि इसे हम इस तरीके से कर देते हैं तो ये टाइमिंग बिल्कुल इसका ये टाइमिंग पे आ जाता है। देख सकते हैं इधर आ चुका है और ये लॉक हो चुका है। अब ये इसका टाइमिंग प्रॉपर काम कर रहा है और ये आवाज़ भी नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले लगाएंगे किक स्प्रिंग को, तो किस तरीके से लगाना है अब हम इसे इस तरीके से नीचे कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम अब स्प्रिंग को लगाएंगे। तो देख सकते हैं इस तरह का हमें स्प्रिंग मिल जाता है, तो ये पॉइंट को हमें इस होल में मैच करना होता है। अगर हम इस तरीके से इसे लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा, हमें इस तरीके से लगाना है, ये वाला कट हमें इस रॉड में फंसाना है। तो इस तरीके से हम जाएंगे फ्रेंड और इस हॉल में इधर से दिखाइए, देख सकते हैं कि आपको दिख पा रहा होगा, थोड़ा दिख नहीं रहा है दोस्तों। तो इस जगह पे हमें देख सकते हैं कि ये लग चुका है। अब ये स्प्रिंग उस जगह में जब बैठ जाए तो ये फाइबर वाला अब हमें लगाना है। इस फाइबर वाले को हम देख सकते हैं इधर से दिखाइए, दिखाएंगे फोकस करने पूरा। तो ये जहाँ इस जगह पे कट हमें मिल जाता है, बस यहीं पे हमें इस तरीके से फाइबर को बिठा देना फ्रेंड, और ये जो स्प्रिंग है ये हमें यहाँ पे फंसा देना है। तो हम इसे यहाँ फंसा लेंगे, ऑन रहेंगे इस तरीके से, पेचकस से हमें लेके इधर हमें यहाँ पे इस तरीके से बैठा देना फ्रेंड। अब इधर देख सकते हैं, इधर दिखाओ, ये देख सकते हैं कि ये एकदम बिल्कुल इसके स्टेट में आ जाएगा फ्रेंड। ये स्क्रू देख सकते हैं इसी के स्टेट में ये स्प्रिंग लगा हुआ यहाँ आएगा, आ जाएगा, और इसे हमें यहाँ ऐसे घुमा के यहाँ फंसा देना है। देख सकते हैं ये फंस चुका है और इसका टाइमिंग अब हट गया। अगर टाइमिंग आउट रहेगा फ्रेंड तो ये घुमाएंगे ये क्लच शाफ्ट को तो ये आवाज़ करेगा। देखिए तो प्रॉपर ये ठीक ठाक बैठ चुका है। इस दो तरीके का जीपीडी हमें मिल जाता है, ये जीपीडी नहीं है फ्रेंड, ये जो है सो ऑयल पंप को चलाने का काम करता है। तो देख सकते हैं एक तरफ गड्ढा है और एक तरफ ये प्लेन वाला भाग हमें लगा देना है अंदर की तरफ। देख सकते हैं ये गड्ढा टाइप का बना हुआ है ये, तो ये प्लेन वाला भाग हम लगाएंगे अंदर की तरफ ने, और देख सकते हैं यहाँ एक बुश टाइप का है, ये दिख पा रहा होगा आपको यहाँ पे इस जगह पे, देख सकते हैं इधर हमने लाया है घुमा के, ये कट वाला हमें इस जगह पे रखना है। तो इस तरीके से हम
ऊपर से फोकस करो, ऐसे करके हमें इस तरीके से इसे लगा लेना है। याद रखेंगे कि गड्ढा वाला भाग हमें बाहर की तरफ रखना है। और अब हम जीपीडी को लगाएंगे। हमें जीपीडी को लगाने से पहले इस टाइप का आपको लॉक मिल जाएगा जीपीडी में, ये जाके देख सकते हैं ऐसे फंस जाता है। तो हमें यहाँ इस तरीके से रख लेना है और जीपीडी को लगाएंगे। देख सकते हैं इसे जैसे भी लगाएं, ऐसे लगाएं या ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इस तरीके से लगा देंगे इसे। इसे बिठा लेंगे तो ये हमने इसे अंदर कर दिया था तो ये बैठ नहीं रहा था। इसे तो इस तरीके से बाहर रखेंगे और हम लगाएंगे लॉक को। ये जीपीडी के फ्रेंड थोड़ा सा बाहर रख के लगाएंगे तो ये तब पर बैठ जाएगा। इस तरीके से बाहर कर लेंगे और हम लॉक को लगाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं एकदम इजीली जो है उसको चला गया फ्रेंड। इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। अब यहाँ का काम, इसके बाद यहाँ का काम हो गया। अब हम गियर शाफ्ट को लेंगे, ये शाफ्ट को लंबा वाला इस टाइप का, तो इसे हम इस हॉल में लगा देंगे इस तरीके से। इसे लगाने फ्रेंड हम आयल का यूज कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ जंग लग चुका है और लगाने में जा नहीं रहा। इस तरीके से हमें घुमा घुमा के लगा देना है और इस जगह पे फंसा देना फ्रेंड। नीचे की तरफ फंसाना है हमें। देख सकते हैं कि एक यहाँ खांचा बना हुआ है और एक इस जगह पे और एक ऊपर। अगर आप इंजन को खोलते हैं तो इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे नस चेंबर में ही लगे रहने दें। इस यहाँ हमने कुछ नहीं किया फ्रेंड इस जगह पे, इस तो इसको कुछ नहीं खोला, सिर्फ हमने बोल्ट को हटाया और कनेक्टिंग को रिपेयर कर दिया। क्योंकि इसमें गियर का प्रॉब्लम नहीं था इसलिए हमने उसको हटाया नहीं। तो इस तरीके से हमें बैठा देना है घुमा घुमा के और इसे नीचे की तरफ देखेंगे। दो खांचे में हमें नीचे की तरफ गियर शाफ्ट वाले में रखना है। इसे देख सकते हैं ये बैठ चुका फ्रेंड। अब हमें इस पत्ती को फ्रेंड देख सकते हैं कि एक तरफ मार्किंग किया है, उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे इस तरीके से और ये बोल्ट को लगा लेंगे यहाँ। और एक नीचे इसके नीचे एक वाशर हमें मिल जाता है, उसे हमें लगा देना है यहाँ पे। और इसे हम जब भी चढ़ाएंगे हाथों से चढ़ाएंगे ताकि गुना ख़राब ना हो। देख सकते हैं कि और इसे 12 mm के पाने से इसे हम टाइट कर देंगे। और याद रहे कि देख सकते हैं जब हम इसे टाइट करेंगे तो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, इस तरीके से गियर स्टॉपर बिल्कुल फ्री होना चाहिए। और हम इसे टाइट कर लेंगे, मीडियम टाइट करेंगे इसे ताकि गुना खराब ना हो पाए। अब हम इस स्प्रिंग को लगाएंगे और अभी हम इस स्प्रिंग को लगाएंगे इस तरीके से, फंसा लेना हमें। ग्लास की मदद से इसे यहाँ लॉक कर देंगे फ्रेंड। देख सकते हैं कि ये बैठ चुका है और ये यहाँ का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे लगाएंगे इस वाशर को, इस वाशर को लगाएंगे। सबसे पहले हम इसे लगाएंगे, ये देख सकते हैं मोटा वाला को और ये कट वाशर ऊपर रहेगा। तो हम इस तरीके से इसे बैठा लेंगे और फिर हम इसे लगाएंगे।
देख सकते हैं ये बैठ नहीं रहा है दोस्तों, तो इसे फोकस करो यहाँ पे, बिल्कुल देख सकते हैं कि इसे बैठाने के लिए फ्रेंड देख सकते हैं ये इसे घुमाना पड़ता है हल्का सा, देख सकते हैं ये वाशर को हमें घुमाना पड़ता है हल्का सा, हम घुमाएंगे इसे ताकि यहाँ आके फंस जाए, देख सकते हैं ये घूम गया, यहाँ आके ये पॉइंट यहाँ आके लॉक हो जाता है फ्रेंड, तब ये वाशर आपका लगेगा नहीं तो नहीं लगेगा, देख सकते हैं इसे हम अब निकालने की ज़रूरत है, तो हमें इसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे घुमाना होगा फिर इसे निकालना होगा, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, लगाना है तो इस तरीके से लगा के हल्का सा इसे हम घुमाएंगे फ्रेंड, देख सकते हैं कि ये घूम चुका है इस तरीके से, अब हम इसे लगा देंगे, ये इस तरीके से बैठेगा फ्रेंड, अब यहाँ का काम हो गया फ्रेंड, अब हम क्लच होजिंग को लगा देंगे, ये देख सकते हैं ये वाशर यहाँ पे इस तरीके से बैठेगा और अब हम क्लच होजिंग को लगा देंगे इस जगह पे, यही बुश का यहाँ वाशर का काम करता है, और अब हम क्लच प्लेट को लगाएंगे, क्लच प्लेट हम पुराना ही लगा रहे हैं क्योंकि गाड़ी ज़्यादा चली नहीं फ्रेंड, मात्र 15,000 किलोमीटर चली है और इसका ऑयल नहीं होने के कारण से लॉक हो गया था, तो पार्टी का कहना है कि इसे ही लगा दो पैसे की कमी के कारण, तो हम क्लच प्लेट लगाएंगे और प्रेशर प्लेट और ब्लेड की जो ब्लेड का भाग होगा ये ब्लेड वाला हम ऊपर की तरफ रखेंगे और प्लेन अंदर की तरफ, इस तरीके से हम सभी क्लच प्लेट को लगा देंगे, ब्लेड वाला बाहर, फिर क्लच प्लेट और ये ब्लेड जैसा रहेगा ऐसे ही ऊपर की तरफ रख के, फिर क्लच प्लेट और फिर प्रेशर प्लेट को हम लगा देंगे, इसी तरीके से हमें लगा देना है और हम क्लच प्लेट को फिट कर देंगे क्लच होजिंग में, इस तरीके से इसे घुमाएंगे इस तरीके से, और ये लास्ट वाला क्लच प्लेट है इसे हम इस खांचे में रखेंगे साइड वाले में, जो एक अलग से हमें इस तरीके से मिल जाता है उसे हम लगा देंगे फ्रेंड, देख सकते हैं कि इस खांचे में बैठ गया फ्रेंड, अब हम नट और वाशर की मदद से इसे टाइट कर देंगे, तो एक वाशर रहेगा यहाँ पे और ये इसे इस तरीके से लगा लेंगे, इसे टाइट करने के लिए इस टाइप का हमें देख सकते हैं ये पुलर चाहिए, तो क्लच पुलर को हम लगा लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे फ्रेंड, इसे फुल हम टाइट कर लेंगे इसकी मदद से, तो देख सकते हैं कि हमने इसे फुल टाइट कर दिया है और ये हमें चार स्प्रिंग यहाँ लगाना होता है इस तरीके से, और इसे हम टाइट कर देंगे, पहले हाथों से चबा लेंगे सभी बोल्ट को, और इसे लगाएं तो खींच के लगाएं हाथों से थोड़ा सा ताकि ये क्लच प्लेट प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, ये बैठ जाएगा तो ये हिलेगा नहीं, देख सकते हैं कि ये अब कनेक्टिंग के साथ घूम रहा है, नहीं तो फिर ऐसा ही घूमेगा, बराबर हमें टाइट कर देना है सभी को देंगे, देख सकते हैं ये अब टाइट हो गया है,
तो ये घूम जा रहा फ्रेंड, तो हम इस टूल्स की मदद से यहाँ डाल देंगे जीपीटी में इस तरीके से, और इसे फुल टाइट कर देंगे चारों को। फुल टाइट हो गया फ्रेंड। अब हमें लगा देना है इसे बैलेंस बैलेंसर को, देख सकते हैं यहाँ एक लॉक है, इसी लॉक के स्टेट में ऐसे करके हम इसे फिट कर देंगे फ्रेंड। और यहाँ एक वाशर, और ये एक 17 mm का नट, इसे हम टाइट कर देंगे। और इसे हम ये यहाँ का जो गुना है फ्रेंड, ये उल्टा है, तो हम इसे उल्टा लगाएंगे इस तरीके से, उल्टा टाइट होगा ये, ध्यान दें स्टार सिटी में। तो इसे यहाँ लगा के अब हम टाइट कर देंगे पानी से ऐसे उल्टा, ये वाला उल्टा खुलेगा, ये सीधा खुलेगा, ये वाला बैलेंसर वाला आपका उल्टा खुलेगा, खोलना हो तो इसे टाइट करेंगे ये खुल जाएगा और ये सीधा खुलेगा। तो इसे फुल टाइट कर दिया हमने फ्रेंड। अब हमें इसे लगा देना है इस कवर, और ये 10 का बोल्ट मिल जाएगा हमें। ये जो बाइक है स्टार सिटी BA6 फ्रेंड, इसमें आयल नहीं होने के कारण ये जल्दी खुल गया, मात्र 15,000 के आसपास। तो इसे हम फुल टाइट कर लेंगे, देख सकते हैं ये घूम जा रहा है। तो हम नीचे की तरफ से इसे लगाएंगे यहाँ GPD में, और ये लॉक हो जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से हम बैठा लेंगे GPD में, सॉरी गिर जा रहा फ्रेंड, तीनों बोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। एक क्लच का फिटिंग हो गया। अब हम ये एक यूनिक चीज़ और दिखाते हैं जो यहाँ पे छोटा सा रहता है, देख सकते हैं यहाँ पे किक स्प्रिंग लगाने के बाद फ्रेंड ये दो वाशर लगा देना है हमें। ये पहले वाशर रहेगा, उसके बाद ये लॉक लगेगा फ्रेंड, इसे हम लॉक की मदद से ऐसे ही दबा देंगे बैठ जाएगा ये, पकड़ो दिखाओ। तो ये मैं भूल गया था फ्रेंड, तो इसे ज़रूर चेक कर लें स्टार सिटी प्लस में। इसे सिर्फ हम दबाएंगे दोनों तरफ से ऐसे, वो खांचे में बैठ जाएगा फ्रेंड, देख सकते हैं। और इसे घुमा के चेक कर लेंगे, देख सकते हैं प्रॉपर ये बैठ गया। इन ये सामान मिल जाता है, इसे कभी भी खोलें तो ऐसे ही कागज़ में लपेट के रख दें, और ये इस जगह पे लगा हुआ होता है, देख सकते हैं कि एक ये बूश और एक ये छोटा वाला और एक छर्रा। तो इसे भी हम फिट करेंगे फ्रेंड, तो इसे किस तरीके से फिट करना है, और हम इसे लगाने से पहले इस पैकिंग को लगा लेंगे। और पैकिंग जब भी यूज करें SGA का यूज करें, जेन्युइन बहुत बेटर है, लीकेज की नो समस्या। तो इसे लगा देंगे, पैकिंग को लगा दिया हमने, देख सकते हैं इसमें एक होल है, इसी होल में हमें इस छर्रे को लगा देना अपने, इसे हल्का सा बिल्कुल ग्रीस लगा लें, देख सकते हैं गिर गया ये, हल्का सा हमने लगा दिया है। और इस तरीके से इसमें, और इसे ऐसे हमें ये इसी तरीके से बैठ जाएगा फ्रेंड। और अब हमें क्या करना है कि ये क्लच में हमें ये बैठा देना है, देख सकते हैं इस तरीके से। अब ये हमें, अब हमें क्लच को लगा देना है इसी तरीके से, देख सकते हैं फ्रेंड कि हमने फुल डिटेल के साथ बनाया वीडियो।
इस तरह का वीडियो आपको मिल जाएगा, मगर हमने जिस तरीके से बताया पूरे अच्छे तरीके से हम समझाया कि कैसे लगाना है, इसी में लोग फंस जाते हैं फ्रेंड कि ये छर्रा कहाँ का है, इसे कैसे लगाना है, तो हमने बता दिया फ्रेंड, देख सकते हैं इसी में लगा हुआ होता है छर्रा, और इसे इस तरीके से बैठा के हमें फिट कर देना फ्रेंड। पैकिंग को हमने लगा दिया है और इसे फिट करने के बाद ज़रूर चेक कर लें कि ये हमारा अंदर का बुश बैठा है कि नहीं, तो इसे हम क्लच को दबाएंगे, क्लच हमारा बाहर की तरफ आएगा, देखेंगे यहाँ से देख सकते हैं कि ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये बैठ चुका है, हमें समझ लेना है, देख सकते हैं इसे हमने दबाया और ये चेंबर बाहर, तो इस तरीके से हम बैठा के सभी बोल्ट को टाइट कर देंगे इसका फुल फिटिंग, ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप वीडियो को देखते हैं लाइक नहीं करते, लाइक हमें मिलता है तो हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मज़ा आता है कि हाँ हमें लाइक मिल रहा है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।